हेलो फ्रेंड्स, मैं लता गुप्ता, मैं कोलकाता से हूँ और मैं फेमिना कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और उसके लिए मैंने ये वीडियो आपको बनाकर दिखा रही हूँ, जिसमें मैं एक बंगाली डिश बनाकर दिखाऊंगी जिसका नाम है फिश कालिया। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, ये मैं सरसों तेल में आज मैं ये फिश कालिया बनाकर दिखा रही हूँ। ये मैंने तेल गरम कर लिया है, अब इसे मैं एक एक करके मछली को अच्छा सा फ्राई कर लूंगी। ये देखिए एक एक करके मछली को ये फ्राई कर लेना है, बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है, हल्का गोल्डन तक इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए एक साइड हो गया है, अब दूसरा साइड भी बस यूं ही ऐसे ही गोल्डन फ्राई हमको करके निकाल देना है। एक से दो मिनट तक इसको भूनना है। ये देखिए ऐसे ही गोल्डन फ्राई करके सारा मछली जो था मैं सब निकाल दूंगी। अब चलिए उसी तेल में मसाला कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तेल में देखिए जिसमें मछली भुने थे उसमें अब ये दो तीन ये तेज पत्ता डाल देंगे, सूखी लाल मिर्च डाल देंगे तीन से चार, दो दालचीनी डाल देंगे और तीन चार लौंग डाल देंगे। इसको डाल के थोड़ा सा भून लेंगे जब तक इसका अरोमा तेल में अच्छे से ना आ जाए। एक महीन प्याज मैंने चॉप करके एकदम इसको डाल दिया है तेल में, अब इसको गोल्डन फ्राई होने तक उसको भूनेंगे। देखिए प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, अब ये मैंने तीन बड़े बड़े प्याज और एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट एक साथ इसको पीस कर अब इसको भी अच्छे से भूनना है जब तक प्याज हल्का ब्राउन ना हो जाए। तेल अच्छा, आपका जो प्याज था वो बहुत अच्छे से भून गया है। अब प्याज को बहुत ज्यादा महीन मत पीसिएगा, थोड़ा दरबड़ा रहेगा। उसमें मैंने वन टीस्पून हल्दी डाल रहे हैं और 1.5 टीस्पून लाल मिर्च। इसको हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है इसको ताकि इसका जो रंग है ना ग्रेवी का। ये देखिए तेल कैसे ऊज आउट हो गया है। अब ये मैंने दो छोटे टमाटर को ग्राइंडर में पीस लिया है एकदम महीन, अब इसको भी भूनेंगे जब तक टमाटर का पानी जो है वो अच्छे से सूख ना जाए और मसाला अच्छे से भुना ना जाए। मसाला अच्छा से भुना गया है, अब इसमें मैं गुड़ा मसाला 1.5 टीस्पून धनिया और 1 टीस्पून जीरा का पाउडर देके फिर थोड़ा सा भून लेते हैं। देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये मैंने 10 से 15 काजू और 3 टेबल स्पून दही को एक साथ मिक्सर में ग्राइंड कर दिया, अब इसको इसमें मिला देते हैं। मिलाकर इसको तब तक भूनेंगे जब तक दही का भी पानी अच्छे से सूख ना जाए। ये देखिए तेल कितना अच्छे से ऊज आउट हो गया है, इसमें मैं अब 1/2 टीस्पून चीनी डालूंगी, ये ऑप्शनल है आप डाल भी सकते हैं, और फिर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला। अब ये देखिए मैं पानी डाल रही हूँ, ये 1 ग्लास पानी है। ग्रेवी आप हिसाब से बनाइएगा, जैसा बहुत ज्यादा थिक या बहुत ज्यादा पतला खाना हो तो। अब उसके बाद हम इसमें एक बॉईल आने तक इसको थोड़ा पका लेंगे। ये बॉईल आना स्टार्ट हो गया है, अब एक एक करके हम लोग जो मछली है उसमें डाल देंगे। ये 3-4 हरा मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें डाल के और 5 मिनट तक इसको हम ढक के पका लेंगे। गैस मैंने बंद कर दी हूँ, ये आपका फिश कालिया रेडी है। अब चलिए इसका प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए फिश कालिया रेडी है, इसको आप यूं ही गार्निश करके आप सर्व करिए, हॉट गरम गरम चावल के साथ इसको खाइए। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इसके साथ मेरा वीडियो ले लो, मेरे को सेंड करना।